बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं में अध्याय 8 के अंतर्गत किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना में देखेंगे, 16वीं-17वीं शताब्दी में मध्य भारत में 85% जनता जो गांवों में निवास करती थी। छोटे किसान भूमिहीन सम्राट देशों में जो खेती से जुड़े हुए थे, वे कृषि उत्पादन के हिस्सों में दावेदार थे और बीच में सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष के रिश्ते भी बने। जैसे आप लोग देखते होंगे कि बीच बीच में क्या पारिवारिक संघर्ष के कारण भी जमीनें जो हैं वह कम होती चली जाती हैं। फिर मुगल साम्राज्य जैसी कई बाह्य ताकतें भी ग्रामीण दुनिया के सम्मिलित थी, जिसमें कि मुगल साम्राज्य में आमदनी का बड़ा हिस्सा जो था वह उत्पादन के क्षेत्र से ही प्राप्त होता था। जैसे राजस्व निर्धारित करने वाले, राजस्व वसूली करने वाले, हिसाब रखने वाले ग्रामीण समाज पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। उसी तरह से कुछ फसलें जो थी बिक्री के लिए भी उगाई जाती थी, जैसे व्यापार, मुद्रा और बाजार गांवों के और गांव शहरों से जुड़े हुए थे। इस तरह से व्यापार के माध्यम से वे सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। फिर देखेंगे किसान और कृषि उत्पादन। किसान और कृषि उत्पादन, जो किसान है वह स्वाभाविक किसान से ही समझ में आता है कि वह खेतिहार व्यक्ति है और वह खेत में कृषि करता है। तो कृषि संबंधी में जो कार्य में लगे रहते हैं उन्हें किसान कहते हैं। कृषि संबंधी उत्पादन में शक्कर, तेल, कपड़ा आदि के उत्पादन में लगे रहते हैं, किंतु कृषि कार्य मैदानी क्षेत्रों के अतिरिक्त पहाड़ियों, जंगलों से घिरे भूखंडों में भी किया जाता है। फिर जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत के माध्यम से इसमें दो स्रोत से, जैसे कि मुगल कालीन दरबार के स्रोत और दूसरा है अन्य राज्यों से प्राप्त स्रोत। तो हम पहले देखेंगे मुगल कालीन दरबार के स्रोत। 16वीं-17वीं शताब्दी में कृषि इतिहास को समझने के लिए मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे और ऐसे ग्रंथ और दस्तावेज हैं जिनके माध्यम से हम खेतों की नियमित जुताई, तसल्ली करने के लिए नुमाइंदों द्वारा करों की उगाही के लिए, राज्य के ग्रामीण सत्तापुरुषी यानी जमींदारों के बीच संबंधों को बनाए रखने के लिए, इस तरह के कार्य जो होते थे वह बड़े सावधानी पूर्वक पेश किए जाते थे। बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें लिखी भी नहीं जाती थी, लेकिन हम देखेंगे कि आइन का मुख्य उद्देश्य था अकबर ने साम्राज्य मजबूत सत्ताधारी वर्ग के रूप में प्रस्तुत करता है, क्योंकि सामाजिक मेलजोल बनाकर रखना आइन के लेखक के अनुसार उसने कृषक वर्ग और बगावत नहीं थी और सत्ता की ऊंची न्याय व्यवस्था का भी यह परिणाम थी। फिर देखेंगे अन्य राज्यों के स्रोत। अन्य राज्यों में क्या क्या स्रोत थे, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि उसमें मुगल राजधानी से दूर जो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान क्षेत्रों में भी लिखे गए थे दस्तावेज जो मुगल साम्राज्य की आमदनी की विस्तृत जानकारी देते हैं। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कई दस्तावेज हैं जिससे कृषि की स्थिति का वर्णन करते हैं, जिसमें किसानों, जमींदारों, राज्यों के बीच झगड़ों का भी उसमें वर्णन मिलता है। और इसके साथ ही साथ यह स्रोत जानने में भी सहायता प्राप्त करता है कि किसान राज्यों किस नज़रिए से वे उसे देखते थे और राज्य से वे क्या उम्मीद रखते थे। फिर देखेंगे किसान और जमीन। जो किसान थे उनकी जमीन पर किस तरह से अधिकार था, तो यहाँ पर देखेंगे जो भारतीय पारसी स्रोत के अनुसार किसानों के लिए प्राय रैयत था, जिसको भी बहुजन में रियायत कहते हैं। फिर मुजरियान शब्द से इस्तेमाल करते हैं, जिसमें किसान या आसामी जैसे शब्द भी मिलते हैं। फिर खुद कास्त, वे किसान होते थे जो गांव में रहते थे और उनकी ज़मीनें होती थी। पाही कास्त, ये वे खेतिहार कहलाते थे जो गांव में ठेके से खेती करने आते थे और खेत कृषि करते थे, लेकिन कई बार ऐसे होते थे कई मजबूरन भी होती थी, अकाल और भुखमरी के कारण भी परेशानी होती थी, जो दूसरे गाँव में कई शर्तों पर आकर कार्य करते थे। फिर देखेंगे सिंचाई और कृषि तकनीकें। अब सिंचाई और कृषि तकनीकें के अंतर्गत यहाँ पर क्या क्या है, तो बहुत जमीन की बहुतायत, मजदूरों की मौजूदगी, किसानों की गतिशीलता का विस्तार लगातार, प्राथमिक उद्देश्य था भोजन की व्यवस्था करना जिसमें रोजमर्रा खाई जाने वाली चीज़ें जैसे चावल, गेहूँ, ज्वार आदि फसलें उगाई जाती, मतलब जो हमारी जरूरत की चीज़ें थी और रोज़ हमारे उपयोग में आती हैं। फिर देखेंगे सिंचाई का मुख्य स्रोत वर्षा थी। मानसून जो थी वह भारतीय कृषि की रीढ़ की हड्डी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि पुरानी जो कृषि होती थी वह पूर्ण रूप से वर्षा पर आधारित होती थी। अच्छी बारिश हो गई तो अच्छी खेती होती थी, अच्छी बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ जाता था। इस तरह से जबकि कम और कमतर बारिश वाले क्षेत्रों में गेहूँ, ज्वार, बाजरे की कृषि प्रचलित थी। इसी तरह कई सिंचाई के कृत्रिम उपाय भी बनाए जाने लगे थे, जैसे रहट, कुएं, नहर, नाले आदि प्रमुख थे। फिर देखेंगे प्रमुख फसलें कौन कौन सी। प्रमुख फसलें जो है खरीफ की फसल, रबी की फसल। खरीफ की फसल पतझड़ में आते हैं, रबी की फसल बसंत ऋतु समय आते हैं। अब इसमें खरीफ के लिए जो जमीनों सूखे इलाकों में ज़्यादातर कम से कम दो फसलें ली जाती हैं जिसमें सिंचाई के साधन उपलब्ध होते हैं, वहाँ तीन फसलें भी उगाई जाती थी। इस तरह से फसलों में काफ़ी विविधता भी पाई जाती है। फिर जिन्स काबिल, कपास और गन्ने की फसलों को जिन्स काबिल कहा जाता था। इससे राज्य में अधिक कर मिलता था और इसमें जो मध्य
इनके बड़े बड़े टुकड़े पर कपास उगाई जाती थी, जिसमें बंगाल चीनी की प्रसिद्ध था और तिलहन और जैसे शत्रुंजय नगरी फसलें आती थी। फिर नई फसल का आगमन, 17वीं शताब्दी में नई फसल का आगमन हो चुका था, जैसे मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया, जो 17वीं शताब्दी में पश्चिमी भारत की मुख्य फसल बन गई, और जिसमें इसी प्रकार टमाटर, आलू, मिर्च जैसी सब्जियां, अनानास, पपीता जैसे फल बाहर से भारत लाए गए। फिर देखिए ग्रामीण समुदाय जो था उसमें किस तरह की व्यवस्था थी। ग्रामीण समुदाय में कृषि विशेषता विस्तार किया गया था, पुरजोर इसमें भागीदारी होती थी, इसमें व्यक्तिगत मिल्कियत भी होती थी। इसके मुख्य घटक जो थे वह खेतिहार किसान थे, पंचायत और गांव का मुखिया, जिसको मुकदम या मंडल भी कहा जाता था। इसमें जो खेतिहार किसान होता था वह खेती करता था, पंचायत व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था जिसको करनी होती थी, गांव का मुखिया पूरे गांव में कोई भी समस्या होती थी तो वह उसका निवारण करता था। इस तरह से ये व्यवस्थाएं की गई थी। फिर देखेंगे जाति व्यवस्था भी थी, जिसमें जाति जैसे भेदभाव कारण खेतिहर किसान कई समूह में बटे हुए थे। जैसे खेती लायक जमीन की कमी नहीं थी, लेकिन कुछ जाति के लोगों को जिसमें समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे, तो वे प्रकार से गरीब रहने के लिए मजबूर हो जाते थे। फिर समाज के निचले तबके जाति गरीबी सामाजिक हैसियत पर आधारित थे, जिसके बीच समूह में ऐसा तो नहीं था कि वे, एक किताब राजपूतों की चर्चा किसान के रूप में की गई है, दूसरे में जाट भी किसान माने गए हैं, फिर राजपूतों की तुलना में नीची बताई गई है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जाति व्यवस्था को बताती हैं। फिर इसी तरह से कई चीज़ें थी जाति सामाजिक स्थिति को सुधरने भी लगी थी। फिर पंचायतें और मुखिया, गांव की शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंचायतें बनाई गई, जिस तरह से हमने अभी आपको बताया, जिसमें बुजुर्गों का जमावाड़ा होता था, जिनके पास संपत्ति पुश्तैनी अधिकार होते थे, गांव की जातियों के लोग रहते थे, अक्सर पंचायत में विविधता पाई जाती थी, जिसमें कि गांव के अलग अलग संप्रदाय की जातियों के लोग को सम्मिलित किए जाते थे और उसमें पंचायत में स्थान नहीं होता था। और किनको नहीं होता था? खेतिहार मजदूरों को। फिर पंचायत के मुखिया, ग्राम पंचायत में मुखिया मुकदम या मंडल कहा जाता, जिस तरह हमने आपको बताया, मुखिया तब तक अपने पद पर बने रहते जब तक कि गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा होता था, और ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उसे बर्खास्त भी कर देते। इस तरह से आकलन कम करने के अधिक छोटे छोटे किसानों को बोझ पे डाल देते थे। फिर देखेंगे पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या थे। पंचायत का खर्चा गाँव के खजाने से चलता था, लेकिन वह इसके योगदान देता था, खजाने समय समय पर गांव का दौरा करने वाले अधिकारियों को स्वागत भी किया जाता था, कुछ कोष जो होता था बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं निपटने के लिए भी किया जाता था, कई सामुदायिक कार्य भी किए जाते थे, जैसे छोटे मोटे बांध नहर बनाने के कार्य कोष के होते थे। फिर पंचायत के कार्य व अधिकार, इसके कार्य क्या होते थे और अधिकार क्या होते थे। कार्य में प्रमुख रूप से पंचायत ही सुनिश्चित करता था, गाँव में रहने वाले समुदाय के लोग जाति सीमा के अंदर रहते थे, इस तरह से उनकी पूरी जिम्मेदारियाँ भी थी, पूरे गांव में उनको नजर रखना पड़ता था। फिर गांव के पंचायत विशेष अधिकार दिए गए थे, जैसे कई फैसले उनको मानने पड़ते थे, जुर्माने भी लगाने पड़ते थे, और निष्कासित जैसे ज्यादा गंभीर दंड देने का भी उनको अधिकार था। फिर सामुदायिक जाति पंचायत, ग्राम पंचायत अतिरिक्त गांव में प्रत्येक जाति अपनी पंचायतें होती थी, ताकतवर होती थी, साथ ही ये भी तय की जाती थी इनके अनुसार हो रही है या नहीं हो रही है। आयोजन कर्मकांड का वर्चस्व भी निर्धारण पंचायतें ही करती थी। फिर पंचायतों के फैसले का विरोध, कई जगह ऐसी होती थी पंचायतें के फैसलों का विरोध होता था, जैसे कि ऊंची जातियों के या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन उगाही या बेगार वसूली की शिकायत की जाती थी, लेकिन नैतिक दृष्टि से उन्हें अवैध माने जाने के संवाद समूह की मांगों के खिलाफ भी विरोध जताती थी। किंतु उसके बाद भी ज़्यादातर कर की मांग, क्योंकि किसानों का दैनिक गुजारा जोखिम पर पड़ता था, इसलिए खेतिहर मजदूर उसके अनुसार जीवित रहने के लिए न्यूनतम बुनियादी साधन का अधिकार भी था। फिर ग्रामीण दस्तकार कौन होते थे? ग्रामीण दस्तकार जो कि दूसरी चीज़ों का काम कई कार्य में लगे होते थे, उसके साथ सर्वोच्च गांव दस्तकार काफ़ी तादाद में रहते थे, उन घरों के 25% घर दस्तकार थे, जैसे गांव में कुम्हार, लोहार, बढ़ई, सुनार जैसे कई ग्रामीण दस्तकार होते थे जो अपनी सेवाएं देते थे। प्राचीन काल में जो होता था सब एक दूसरे की, जैसे कुम्हार जो होता था वह घड़ा बना के दे देता, लोहार जो होता लोहे का वस्तु बना के दे देता, बढ़ई जो होता था वह अपना लकड़ी के हल वगैरह बना के दे देता, नाई जो होता था बाल काट देता, सुनार जो सोने की चीज़ें बना के दे देता था। इस तरह से आपस में ही सामानों का एक्सचेंज होता था, जैसे लोहार ने लोहे का सामान बना के दे दिया, नाई किसान है तो किसान ने अनाज दे दिया, इस तरह से आदान प्रदान का काम उस समय आसानी से चल जाता था, जिससे कि दस्तकारों को फसल का एक हिस्सा दिया जाता था, कई बार गांव में जमीन का एक टुकड़ा भी दे दिया जाता था, ताकि वे खेती करने लायक बेगार ना पड़े रहें और वे अपना पुश्तैनी कार्य भी करते रहें। कभी कभी
जिस तरह से मैंने अभी बताया है कि जिस तरह से क्या होता है, दस्तकारों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय भी होता था। इस तरह से रोज का भत्ता, खाने का भत्ता नकदी देते थे और इस व्यवस्था को जजमानी भी कहते थे। एक छोटा गणराज, 19वीं शताब्दी में गाँव में छोटे गणराज भी देखे गए हैं, जिसमें भाईचारे और नाम से समाज में गहरी विषमताएँ भी पाई जाती थी और इन इलाकों में गणना और वसूली का नगद भी किए जाते थे। फिर देखेंगे कृषि समाज की महिलाओं की स्थिति। कृषि समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी? महिलाएं जो होती थी घर का कार्य भी करती थी, साथ ही साथ वह खेतों में पुरुषों का भी सहयोग करती थी। इस तरह से शैक्षणिक सामाजिक न्याय की दृष्टि से महिलाओं पुरुषों के समान संपूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं थे, फिर भी वह श्रम और उत्पादन के कार्यों में सहयोग देने के कारण महिलाओं को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था, क्योंकि वह घर का भी कार्य करती थी, साथ में वह कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष के साथ खेतों पर भी काम करती थी। जैसे यहाँ बताया गया है कि पुरुष से कंधा मिलाकर कार्य करने के साथ साथ पुरुष खेत जोतते थे, हल चलाते थे, जबकि महिला बुवाई निराई कटाई के साथ साथ पकोई फसलों का दाना निकालने तक का कार्य करती थी। इसके साथ साथ कृषि की प्रमुख विशेषता यह थी घर परिवार के संसाधन श्रम के उत्पादन के आधार पर ही यह सारे कार्य महिला और पुरुषों के मध्य श्रम को लेकर भेदभाव करना संभव नहीं था कि जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे, बल्कि उत्पादन वाणिज्यकरण होने के साथ साथ उत्पादन में महिलाओं के श्रम की भी मांग बढ़ती जाती थी। महिलाएं एक संसाधन के रूप में, अब यहाँ पर बताया गया महिलाएं एक संसाधन के रूप में, तो श्रम पर आधारित समाज है, प्रजनन के कारण भी महिलाएं एक महत्वपूर्ण संसाधन मानी जाती है, किंतु शादीशुदा महिलाओं की कमी थी, क्योंकि कुपोषण के कारण, मां बनने के कारण हुए प्रसव की कमी के कारण महिलाओं की मृत्यु अधिक हो जाती थी, और इसके कारण किसान दशा समाज में दहेज के स्थान पर दुर्लभ की कीमत अदा करने के लिए नए रिवाज पैदा हो गए थे। फिर देखेंगे महिलाओं के कानूनी अधिकार। भारत के राज्यों में से जो दस्तावेज प्राप्त हुए उससे पता चलता है कि न्याय और मुआवजे के लिए ग्राम पंचायत को दी गई दरखास्त में उल्लेख है पत्नी अपने पति की वफाई का आरोप लगाते थे और बच्चों की अनदेखी करने पर का भी आरोप लगाते थे। इस तरह से पुरुषों पर भी आरोपों के दंड उन्हें मिलता था और ऊंची जाति के लोगों के परिवार भरण पोषण के इंतजाम भी करने के प्रयास किए जाते थे। फिर देखेंगे जंगल और कबीले। जंगल और कबीले यह होता था कि वहाँ पर जो कई गहरी खेती वाले प्रदेशों में छोड़ देने पर अधिकांश क्षेत्र में जंगल झाड़ियों गिरे हुए होते थे, जंगली फैलाव होता था, अंदाजा होता था। उसी काल से जंगल में रहने वाले जंगली शब्द का प्रयोग किया गया, उनको सभ्यता विहीन माना गया और जंगली शब्द का उपयोग उनके लिए होने लगा, क्योंकि वो गुजारा जो जंगल के उत्पादों शिकार और स्थानांतरीय खेती से होता था। अब तो उत्पादन तो करते थे, शिकार भी करते थे। स्थानांतरीय खेती मतलब एक जगह खेती करने के बाद छोड़कर दूसरी जगह के जगह को साफ कर जंगल को काट कर वहाँ खेती करने को स्थानांतरित खेती कहते हैं। उदाहरण के लिए भीलों ने बसंत के मौसम जंगल में उत्पादन इकट्ठा करते हैं और गर्मियों में मछलियाँ पकड़ते हैं, और इस तरह से मानसून के महीने में खेती की जाती है, मतलब उस समय शरद और जाड़े महीने में शिकार किया जाता है। लगातार गतिशीलता के कारण बुनियादी खड़ा होता है। फिर जंगल में घुसपैठ के कारण, कई बार जंगलों में घुसपैठ की गई, जंगल के उत्पादों की मांग के कारण भी घुसपैठ हुई, जिसमें शहद मधु मोम लाख की मांग होने के कारण भी 17वीं शताब्दी में भारत में निर्यात भी ये सब किए जाते थे। हाथी भी पकड़े जाते थे और उनको बेचे जाते थे, जिसमें हाथी के दांत जो है बड़े कीमती होते थे। फिर शिकार अभियान, अब जंगल में रहते थे तो स्वाभाविक है शिकार अभियान भी, जो बादशाह होते थे विशाल साम्राज्य कोने कोने का दौरा करते थे और अलग अलग इलाकों में वे शिकार भी करते थे। फिर है व्यापार का प्रसार, फिर यहाँ पर व्यापार का भी प्रसार हुआ। जंगलों में घुसपैठ के कारण भी कई प्रभाव पड़े, जिसमें कई सरदार जमींदार बन गए, कुछ राजा बन गए, कुछ कबीले की सेना में भर्ती किया गया, भाई बंधु सेना की मांग की गई। इस तरह से कई तरह की 16वीं शताब्दी वर्णित तो जो कबीलाई क्षेत्र है बातम जंगली इलाकों में नए संस्कृति प्रभाव का विस्तार का भी प्रारंभ उस समय हो चुका था, क्योंकि वे धीरे धीरे शहर के संपर्क में आने लगे थे। फिर देखेंगे जमींदार। मुगल कालीन कृषक समुदाय एक ऐसा वर्ग था जो कमाई खेती से आती थी, लेकिन कृषि उत्पादन हिस्सेदारी नहीं करते थे और खास सामाजिक सुविधाएं भी उन्हें मिली हुई थी। और दूसरा कारण यह था राज को दी जाने वाली खास किस्म की सेवाएं थी, जो खिदमत कहा जाता है। फिर जमींदारों की शक्ति के कारण, इनको जमींदारों को मिलकर मतलब तो संपत्ति मिली हुई थी, व्यक्तिगत जमीन थी और मिलकर जमीन जमींदार होने के कारण खेती होती थी, और साथ ही साथ मजदूर भी उनका पराधीन कार्य करते थे। फिर जमींदारों की उत्पत्ति के स्रोत, जमींदारों की उत्पत्ति के स्रोत क्या थे? जमींदारों की उत्पत्ति की संभावना उस समय बहुत कम होती थी, सनद होते थे इसके जरिए आक्रमण की पुष्टि करते थे, इस प्रकार से जमींदारों का प्रभाव भी बढ़ा। फिर देखेंगे कि भू राजस्व प्रणाली, भू राजस्व प्रणाली क्या है? जमीन से नींव से मिलने वाले राजस्व पर निर्भर करती,
इस प्रकार हिसाब रखने और राजस्व के अधिकारी प्रशासनिक तंत्र में महत्वपूर्ण अधिकारी बनकर उभरे थे। फिर राजस्व व्यवस्था में दो चरण थे, पहला चरण निर्धारण, दूसरा वसूली करना, जमा निर्धारित रकम थी और उसको वसूली करना था। फिर इसी तरह से अकबर ने भी हुक्म दिया कि अमीर गुजार के प्रयास करना चाहिए खेतिहर नगद भुगतान करें और फसलों का भुगतान विकल्प भी खोला रखें, जिससे कि निर्धारित समय पर अधिकतम हिस्सा उनको संभव रूप से मिल सके। फिर चांदी का बहाव 16वीं 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के उन बड़े साम्राज्यों में से एक था जिसको कि मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए चीन और तुर्की ईरान में भी इस तरह के जीवंत जाल बिछाने में मदद मिली। ये क्या थी, जमीनी व्यापार जो था वह भूमध्य सागर के माध्यम से वहाँ भी होने लगा था। इसमें चांदी आई, फिर सिक्का का बड़ा हिस्सा भारत पहुँचा, मतलब उस समय चांदी के सिक्के भी प्रचलन में आ गए थे। फिर देखेंगे अबुल फजल आईने अकबरी। अबुल आईने अकबरी का निर्माण बहुत बड़ी ऐतिहासिक प्रशासनिक परियोजना का नतीजा था, जिसका जिम्मा बादशाह अकबर हुक्म अबुल फजल ने उठाया था। फिर आईने अकबरी की संरचना, जिसमें आईने अकबरी की सूचनाओं को इकट्ठा करने, सिलसिलेवार तरीके से संकलित करने पर महत्वपूर्ण शाही कयावत भी हमें जानने को मिलती है। फिर देखेंगे आइन का महत्व, आइन का महत्व क्या है। आइन के अंतर्गत निर्माण से बहुत सहूलियत अधिकारी तौर प्राप्त हुआ और साथ ही साथ हमें पांडुलिपियाँ, आइन में कुछ मसलों पर विस्तृत चर्चा भी मिलती है। आइन की कई सीमाएँ भी हैं जिसके अंतर्गत अबुल फजल ने कई सहयोगियों से भूल हो गई, उनकी मामूली व्यापक स्तर किताब के आंकड़ों में सच्चाई कम नहीं करती है। उसके साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं आयन के लिखे हुए उसमें प्राप्त हो जाती हैं। फिर आयन की कई सीमाएं हैं जिसमें कि कुछ अपने उत्साह और से मतभोग हो जाते हैं, कुछ मुगल सम्राट सांख्यिकी आंकड़े भी प्रस्तुत करते हैं, समकालीन इतिहास काफ़ी आगे निकल गए हैं, जिसमें कि निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि भी थी जिसमें अबुल फजल पहले के इतिहास का ज़्यादा राजनीतिक पदार्थों के बारे में नहीं लिखते हैं। फिर यहाँ पर देखें गृह कार्य आप लोग को क्या है, जनमानिक व्यवस्था क्या है, 16वीं 17वीं शताब्दी ग्रामीण जीवन की संक्षिप्त जानकारी दीजिए, मुगल के प्रयुक्त सिंचाई के साधनों का प्रयोग कीजिए, इस तरह से ये हैं ग्राम पंचायत गाय के स्रोत क्या हैं, दस्तकारों को ग्रामीण समाज की मध्य सेवाओं की अदायगी आदान प्रदान कैसे होता है, कृषि प्रधान ग्रामीण समाज में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए।